ये जानकारी मिल सके कि हम किस त्योहार की ओर जा रहे हैं और कहाँ बाहरी रीति की ओर जा रहे हैं। हमारे जोहार साथियों, मैं अभी ITI मोड़ चास में हूँ और आज है 4 सितंबर और यहाँ पे निकाला गया है करम शोभा यात्रा ITI मोड़ चास से लेके नया मोड़ बोकारो तक का। इसमें लाखों लोग की भीड़ जम चुकी है। मेरे पीछे मत देखें, मेरे आगे देखें। अभी हम नया मोड़ पहुंचने वाले हैं। हमको मुलाकात हुई है डुमरी के क्रांतिकारी अमित महतो से। आइए इनसे बात करते हैं। दादा, कैसा लग रहा है आपको? जोहार झारखंड, जय झारखंड। आज हम सबको एक अति साहस फुल फील हो रहा है, क्योंकि हमारा जो ये पर्व है करम पर्व, एक झारखंड का संस्कृति और पारंपरिक त्यौहार है जिसे ये विलुप्त होते जा रहा है। हम लोगों को आज तक ये भी नहीं पता चल पाया कि हम लोग कितना बड़ा त्यौहार मना रहे हैं, किस छोटे स्तर से मना रहे हैं। जहाँ हम लोग हर चार घर मिल करके एक जगह हम लोग पूजा करते हैं, उसी को अगर एक त्यौहार के तौर पर पूरा चार गांव मिलके या फिर एक प्रखंड मिलकर के एक जगह मनाए तो दुर्गा पूजा गणपति भी उसके सामने कुछ नहीं होता है। हमारी झारखंडी त्यौहारों को एक अलग पहचान की जरूरत है, जिसके लिए हम लोगों ने शुरुआत किया हुआ है। और देखा जा रहा है कि अब लोग बार बार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। करमा लेकर डुमरी में भी हुआ था, बगोदर में हुआ था और अभी नया मोड़ के से लेकर चास तक ITI मोड़ तक, मतलब क्या इस पे लोगों का क्या इम्पैक्ट रहेगा? इम्पैक्ट बस हम लोगों ने शुरुआत किया हुआ है पब्लिक तक ये अपना मोटिवेट करने के लिए, लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि हमारा जो त्यौहार है उसको और भी अच्छे स्तर से हम मना सकते हैं। जिस तरह से हम लोग अपने पारंपरिक त्यौहार को भूलते जा रहे हैं, उसको एक नए रूप से पेश करना, एक नई पहचान की जरूरत होती है। बस उसके लिए हम लोगों ने एकजुट होकर के जगह जगह पर चारों तरफ से, ताकि सारों लोग को ये जानकारी मिल सके कि हम किस त्यौहार की ओर जा रहे हैं और कहाँ बाहरी रीति की ओर जा रहे हैं। हमारी असली पहचान क्या आती है और हम अपना परंपरा भूलते जा रहे हैं, उसको फिर से जागृत करने के लिए बस मतलब ये हम लोग ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। ठीक है, सड़िया की नहीं।